से सुनिए, जब फागुन मेला आता है तो सबसे पहले क्या होता है बताओ, जवाब दो, धमाल होती है ना, रॉन्ग आंसर। जब फागुन मेला आता है तो सबसे पहले क्या होता है पता है? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए, थोड़ी शांति मनाइए। सबसे पहले श्याम प्रेमी अर्जी लगाते हैं बाबा के दरबार में जाकर या अपने घर के मंदिर में जाकर कि बाबा जिस तरह आप कई वर्षों से हमें खाटू बुलाते रहे हो उस तरह इस साल भी खाटू बुला लेना। और कई लोग जो लोग पहली बार जा रहे हैं वो अर्जी लगाते हैं कि बाबा कोई अड़चन ना आए, टिकट बन गई है और हम खाटू आ जाएं। और जो नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी टिकट नहीं बनी है, वो ये अर्जी लगाते हैं कि बाबा इतने लोगों को बुला रहे हो हमें भी बुला लेना। मैं आपको बताता हूँ, फागुन मेला कोई सिर्फ धमाल वाली बात नहीं कि सिर्फ नाचा कूदी होती है, ये बहुत बड़ी फीलिंग है। एक बार उनसे जाकर पूछिए जो साधनों से दूर खाटू जाते हैं, साधनों से दूर यानी एडजस्ट करके। हमारे पास तो बाबा ने बहुत कुछ दिया है, हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जो साधनों से दूर हैं और खाटू जाते हैं उनके भाव देखिएगा उन। और मैं आपको बताता हूँ, भजन हमेशा नेसेसिटीज़ वालों को सोच के लिखना चाहिए और गाना चाहिए, लग्जरीज़ वालों के लिए भजन नहीं गाना चाहिए। और हम लोग उल्टा करते हैं आजकल, इसलिए भजन में आपको ये BMW मर्सिडीज, ये ऑडी 40 ये सब सुनने मिलती है, क्योंकि हम लोग लग्जरीज वाले को तोल कर भजन लिखते हैं। भजन बेस लेवल की चीज़ है, ग्राउंड लेवल की चीज़ है। इसने अपना शीश का दान हमारे 2000 करोड़ के सौदे सिर्फ पक्के करवाने के लिए नहीं दिया, हालांकि ये बात अलग है कि इसकी कृपा से ही पक्के होते हैं, पर शीश का दान दिया इस कारण से नहीं है। इसने शीश का दान उन दिन दुखियारों के लिए दिया है जिनकी नैया जैसे तैसे अभी किनारे पे पहुंच भी नहीं पा रही है, उसको पार लगाने के लिए दिया है। तो मेरी विनती समझने की कोशिश करिए, यूं तो पत्ता पत्ता भी मेरी श्याम की कृपा से हिलता है, पर हर पत्ते पे भजन नहीं लिखा जाता है। भजन बेस लेवल पे ग्राउंड लेवल की चीज़ है, दुखियारों के हिसाब से लिखोगे गाओगे तभी तो दीनानाथ का वर्णन होगा, नहीं तो ये तो लग्जरीज वालों का देवता बन जाएगा ना, अगर भजन उस हिसाब से गाएंगे तो। मेरी विनती एक जकारा बोल खाटू नरेश की जय। सबसे पहले ओ माई कट्टे, जा रहे हो तो जाओ, जा रहे जाइए, मैं कभी नहीं रोकता, मेरी एक शुरुआत से आदत नहीं रही, अपने आज तक ना कभी किसी के पास जाकर बोले कि मुझे मना भजन गाने दो, ये आज की बात नहीं है, और ना कभी किसी के जाते हुए को रोके हैं, क्योंकि पहली बात तो किसी को जरूरी काम हो सकता है, दूसरी बात अगर कोई आया बाबा की मर्जी से है तो जा अपनी मर्जी से थोड़ी रहा है। हाँ, कोई अगर आया उसकी मर्जी से है तो जा भी अपनी मर्जी से नहीं रहा है, शायद बाबा समझ रहे हैं इमें ही भलाई है। जी, जो चीज में मन लगा बेटा भेजा। अब सुनो, फागण मेला आया, फागण मेला आया, उतारो भरो फागण मेला आया। चौक माता की कहानी सुनते बिंदायक जी की, फागण मेला आया। भक्त दरबार में गए, मंदिर में गए और मंदिर में जाकर कहने लगे कि बाबा माने खाटू में बुला ले बाबा शाह, आयो मेलो फागण को, माने खाटू में बुला ले बाबा शाम, आयो मेलो फागण को। भाई जी, मैं गारंटी तो कोनी दे सकूं, आपका मुंह मियां मिट्ठू को नहीं बन सकूं, पर विश्वास के सागे बोलूं, जिन जिन ने इस पिक्चर को देखी है या तो वो बहुत रोया है या तो वो बहुत नाचा है, बीच का कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ये भाव भी ऐसे हैं। अगले
35-40 मिनट आप भुला दो अपने आप को, आप पहुंच जाओगे आज ही खाटू, आज ही। फागण को रे मिलो फागण को, एक एक व्यक्ति गाए फागण, क्या बात है, क्या बात है। माने मिलो तो दिखा दे मामाशा, आयो मिलो। देखो ये गाने वाले नहीं मिले, इतना तो गा लेंगे कि माने खाटू में, ये सेकंड लाइन कलकत्ते में पकना पड़ता है। माने मिलो तो दिखा दे मामाशा, एक आयो मिलो फागड़ को। अब ये हल्की, क्या बात, क्या सुरीली तालियां बजा रहे हैं आप लोग, जोरदार, क्या बात है, क्या बात है दादा। अर्जी लगाई, अर्जी लगाई, अर्जी लगाने का रिस्पांस क्या आया, खाटू से चिट्ठी आई, चिट्ठी आ गई। अब चिट्ठी प्रैक्टिकल और फिजिकल फॉर्म में नहीं आई, नहीं आई, रात को सपने में लगा कि कोई बुला रहा है। चिट्ठी ले आई रे कोयलिया मन बसिया की, चिट्ठी ले आई रे आए हाय, ओ चिट्ठी ले आई रे कोयलिया मन बसिया की, चिट्ठी ले आई रे मन बसिया की रंग रसिया की, चिट्ठी ले आई रे ओ मन बसिया की रंग रसिया की, चिट्ठी ले आई। किस किस के पास चिट्ठी आई, हाथ उठाओ, उठाओ, भरी चिट्ठी है, संकोच मत करो, उठा लो हाथ। चिट्ठी आने के बाद क्या हुआ, चिट्ठी के बाद क्या हुआ, चिट्ठी के बाद क्या हुआ मैं बताता हूं। ये जो माताएं बहने थी, ये माताएं बहने अपने अपने धनी के पास पहुंच गई, कहने लगी सुनो, ओके बोला बोलो, इस बार एकला मत जायो, हर बार बाणेबाजी करके थे एकला चला जाओ, इस बार मैं भी सागे जाऊं, कौन कौन जाएगा। ये लाइन सिर्फ आप लोग गाना, माताएं बहने मेलो तो देख बाने जब देओ रसिया, जब मिलो तो देख बने हो रसिया, क्या बात है। और कहीं कहीं कहानी उल्टी है, इधर वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं जाने दे, सुनेंगे, सुबह से खटपट चल रही है, बच्चों के एग्जाम है, आप चले जाते हो, कोई तरीका है कि आप चार दोस्त लोग मिल जाएंगे, आप लोग चले जाएंगे, एक दिन के बाद नहीं, आप छह छह दिन लगा देते, मैं तो नहीं जाने दूंगी। अरे प्लीज जाने और दे। इधर वाले कह रहे हैं चाय बनाए हूं आज, खूब मनवार चल रही है, और कह रहे हैं मेलो तो देख बने जावा दे ओ सजनी, अरे सजनी जावा दे ओ सजनी, मेलो तो देख बने जावा ए मेरे सजनी, मेलो तो देख बने जावा दे। अच्छा सजना सजनी तैयार हो गए, शाम को चाय पे दोस्त लोग मिले और दोस्त लोग आपस में बोलने लगे, अरे भाई कैलाश, अरे सुरेश चाल रहे हो क्या मेला में, अरे विकास, और आपस में कहने लगे शाम धनी को आयो रे बुला, क्या बात आयो, है आयो। शाम धनी को इनके फागड़ मेले में, लक्की मेले में बाबू रे बुलावो आयो है, चलो रे साथी चलो आयो फागणियो, मेले में मिले गो मारो सागरियो, हो मेले में मिले गो मारो। भाई अमर मेरी टिकट तो बन गई है, तू भी बना ले, मेले में बाबू मिले शाम का सेवा।
तक पैदल चाले, शाम का सेवक पैदल चाले, शाम बिना गाड़ी नहीं हाले, महाराज शाम बिना गाड़ी नहीं और सग चाल को आगे चाल तो मिलेगो भरोसा रियो। अब सुनो, कौन कौन तैयार हो गए? हस्बैंड वाइफ और दोस्त यार, दोस्त यार। बाकी कौन रह गया? और ये छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, छोटा छोटा हाथा से निशान चढ़ाऊंगा। बच्चे आप लोग आओ, छोटा छोटा हाथों से निशान लगाऊंगा। ओ मम्मी, ओ डैडी, ओ डैडी, ओ मम्मी कर दे तू तैयार, मैं भी खाटू जाऊंगा। मम्मी कर दे तू तैयार, मैं भी खाटू जाऊंगा। ये पिक्चर कैसी लग रही है? आपकी ताली बताएगी ये बात, ये बात। ताली बजे। सुनो, सब तैयार हो गए। तैयार होने के बाद बच्चे कहने लगे, मम्मी, ओ मम्मी, खाटू जाएंगे बाबा के दरबार, क्या लेकर जाएंगे? निशान। और निशान रेडीमेड नहीं, रंगिया के सबसे टॉप के दर्जी के पास पहुंच गए। बनाओ भाई, कोई ना दर्जी बनाओ, कुण है, कुण बनेगो दर्जी, कुण बनेगो, चलो आजा लाला, बनोगे क्या दर्जी? अरे आओ, यो बढ़िया, यो ठीक है, हाँ, बड़ा मेहनत करता है दर्जी। सुनो, दर्जी के पास गए और दर्जी को बोले, सुन भाया दर्जीड़ा, श्याम बाबा को निशान है, छोटी मोटी बात को नहीं, बढ़िया सा सील जे और गोटो जम कर लगा दे। खाटू वाले श्याम धनी से हित पुराना से, अरे खाटू वाले श्याम धनी से हित पुराना, हे दर्जी सी मने निशान, खाटू जाना से दर्जी सी दे निशान। बैठो बैठो, मन दर्जी कटे गए हो? अरे पिक्चर चल रही है, दर्जी खाली खड़ा रहेगा, ओनली कैरेक्टर्स अलाउड। कितनो मीटर कपड़ो ल्याऊ, कुणसो ल्याऊ रंग, कितनो मीटर कपड़ो ल्याऊ, कुणसो ल्याऊ रंग। और दर्जी इतनो ही कोनी, मेरी एक और इच्छा है, सुन। लहरावे जद आसमान में दुनिया हो जाए दंग, लहरावे जद किस चीज की इच्छा है, किस चीज की इच्छा है ऐसी, कौन कौन ऐसा निशान बनाएंगे? बोल दर्जी बोल, अरे बोल, मन्ने के केलाड़ा से बोलो बोलो, बोल दर्जी बोल, ओ दर्जी हो, दर्जी सीम दे निशान, मन खाटू जाना। लोगों ने किस्मत वाले हैं हम लोग, कलकत्ते का डागा धर्मशाला, बिनानी धर्मशाला, अहिंसा प्रचार, जब हमारे शंकर अंकल बनवारी जी, हम इतने थे, वो गाया करते थे दर्जी सीम दे निशान, जूते चप्पल जो बाहर होते थे ना, वो कांप रहे होते थे ऐसे ऐसे। ये जो स्टेज है ना, अब तो इतना साउंड होने के बाद भी कभी कभी कांपता है। हर भजन में ऐसा लग रहा होता था कोई भूचाल चल रहा है, कोई हवा चल रही है, यहां कुछ और हो रहा है। एक एक व्यक्ति गा रहा होता था, खाटू वाले शाम पुराना, ओ दर्जी, ए दर्जी,
उधर जी सी उधर जी सिम दे निशान खटो जड़ा से। सुनो अब सुनो, पिक्चर में आगे क्या हुआ? निशान उठाया, रिंगस पहुंच गए। कहां पहुंच गए? रिंगस। क्या बात है, तुरंत बोल रहे हैं, आनंद आ रहा है। कहां पहुंच गए? निशान की पूजा करी, निशान उठाया, उठा लिया। अब सुनो, कोई व्यक्ति चाहे हजारों नए भजन आते हो उसे, चाहे वो कितना ही बड़ा कलम का धनी क्यों ना हो, लेकिन जब वो निशान उठाता है ना, उसे एक ही भजन आज भी याद आता है। ये याद आ रहा है, डोरी खेच के डोरी खेच के राखी जे डोरी राखी जे यो है बाबे को निशान। और प्यारे चाले बाबो शाह, कितनी एक्साइटमेंट हो रही है। चाले ये कैसा गे चाले बाबो बाबा, ये एक्साइटमेंट हाँ है मारियो हूँ अंदर से। हमें भी सच में हो रही है यार कि हम जाने वाले बस 17, अभी तो हम यही सोच रहे हैं 14, 15, 16 का कीर्तन हो और 17 को हम खाटू जाए। सुनो, निशान उठा रखे हैं, पैदल चल रहे रास्ते में, और पैदल चलते चलते गुणगान चल रहा है, मिलो आया है शाम को, हे मिलो आयो है शाम को, आयो है मिलो आयो है शाम को, हेलो आयो है मिलो आयो है शाम को, हेलो आयो है। चालांगा खाटू धाम मेलो आयो है आयो है आयो है चालो मेल के चालो आयो है आयो है आयो है। 3 दिन में 17 तारीख रे 18 ने निशान उठा शाम हेलो जय हो बाबा। बता रहा हूं, रिंगस से निशान उठाए, आप लोग पिक्चर में है ना, अभी निशान लेकर चल रहे हैं, एक व्यक्ति गा रहा है मेलो आयो है, इतने में एक देखे, एक लेडीज लोग का ग्रुप था और खूब होली खेल रहे थे वो लोग, और होली खेल के क्या गा रहे थे, ये रंग मत डारे सावरिया मारो गुजर मारे, रंग मत डारे रंग मत डारे रे सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए जयकारा लगाते गए। एक बार जयकारा लगाओ खाटू जय श्री श्याम 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 जय श्री श्याम। अलग अलग आवाज में लोग बोल रहे हैं जय श्री श्याम। एक व्यक्ति जो ठीक से चल नहीं पा रहा है, मेला ये नहीं है जो हम सिर्फ दिखा रहा हूं आपको मेले में क्या क्या, एक व्यक्ति पता है कैसे चल रहा है, जय श्री श्याम। ये मेला ये बहुत बड़ा दातार है, इसके दरबार में यदि निशान उठाओगे ना, सारी हिकड़ी खत्म हो जाएगी लोगों के भाव देखकर। आपको महसूस होगा कि ये सेठ के दरबार में क्या औकात है हमारी यार, इतनी मोटी आंटी, कम से कम होगा 90 से 100 किलो वजन। ताई जी को मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मैंने पूला ताई जी बैठ जाओ थोड़ी देर, इतनी देर से ना मैं पूक जाऊंगी, भाव देखिए बोलने का, ना मैं पूक जाऊंगी,
ये है मेला मेरे श्याम। चलते गए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आगे बढ़े, बढ़ते गए, चलते गए दूर। एक स्ट्रक्चर नजर आया, लोगों ने बोला वो देखो तोरण द्वार, आ गयो तोरण द्वार, आ गयो। अरे एक्साइटमेंट होता है ना जब 18-20 किलोमीटर चलते हो और जब तोरण द्वार दिखता है तो मन में शांति होती है ना, तो एक बार चिल्ला के कह दो आ गयो तोरण द्वार। और उस समय हर व्यक्ति अपनी गाड़ियों से उतर के पैदल चलते हुए तोरण द्वार में एक चीज करता है, आग्यो तोरण द्वार थी सगड़ा झुककर धोख लगाओ, आग्यो तोरण द्वार थी सगड़ा झुककर धोख लगाओ। पहले तो धोख लगाते हैं, उसके बाद ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि एनर्जी फिर से आ गई, वो सारी 18 किलोमीटर 19 किलोमीटर की थकान। आग्यो तोरण द्वार थी सगड़ा झुक कर धोक लगाओ, आग्यो तोरण द्वार थे सगड़ा झुक कर धोक लगाओ। और खूब मचाओ धूम श्याम की जय जयकार लगाओ, जय जयकार लगाओ। और आगे बढ़े, लाइन में लग गए, लगने के बाद अंत में वो 13 सीढ़ियां दिखने लगी तो भक्तों ने गाया, तेरा पेड़िया ऊपर मार शाम को बंगलो, तेरा पेड़िया ऊपर मारे शाम को बंगलो, हो सारे जय हो जय हो, सारे जग में राज करें भरोसे सावरो। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो मैं गाने जा रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, वो सोच के भार है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पिक्चर में अब एक बहुत बड़ी पॉइंट आ रही है, जब लोग खाटू मंदिर में पहुंच गए हैं, पहुंचने के बाद एक बड़ी विचित्र चीज कर रहा है, बड़ा बड़ा धन्ना सेठ भी वहां पर एक बड़ी विचित्र चीज कर रहा है, वो विचित्र चीज क्या है ध्यान से सुनिए। वो सेठ, वो बच्चा, वो जो भी हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, पंजाब से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो, हर कोई मंदिर में जाने के बाद एक बड़ी विचित्र चीज कर रहा है। क्या कर रहा है? धने उछल उछल के ओ, धने उछल उछल कर देखा बाबा श्याम, इतनों भी नखरो ठीक नहीं, धने उछल उछल कर देखा बाबा श्याम, इतनों भी नखरो ठीक नहीं। खाटू कौन कौन गए फागड़ मेले में? मेले में गए? सुनिए, एक और चीज होती है मेले में, मंदिर के बाहर हर एक व्यक्ति कैसे चलता है पता है? एक्सप्रेस में, ताकि मंदिर फटाफट पहुंच जाए ऐसे। और वो ही व्यक्ति जब मंदिर के अंदर घुस जाता है तो कैसे चलता है? धीरे धीरे चाल, एकदम धीरे धीरे। क्यों होता है ना, तसल्ली से दर्शन हो जितना धीरे। ये अनुभव है फागन मेले का, मंदिर के बाहर कोई धीरे चलने वाला मिल जाए ढीलो है, यो ढीलो है, चाले को नहीं जोर। और मंदिर के अंदर कोई यदि मिल जाए जो धीरे, भाई जी यहीं चलो ठीक चल रहे हो एकदम, ये तो यहीं बोलेगा यहीं चलता रहो। और उस समय जब नजर से नजरें मिलती है, हर एक व्यक्ति क्या सोच कर जाता है कि ये बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन सिर्फ एक ही भजन है जो बाबा के मंदिर में जब नजरें मिलती है तो लोगों को याद आता है। दोनों हाथ उठा लेना प्रेमियों, खाटू वाली शाम तेरी, क्यों भाई जी
खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गयो। हे रे बाबा शाम प्रभु रूप तेरो नैना में, शाम प्रभु रूप तेरो नैना में सवा। बिसरावे मत बाबा हाय माने दे, मान रिया माफी बाबा। बिसरावे बाबा हार माने, तेरे से आकड़ ले चुरा कर बाबा दा। और नजर से प्यारे, ओ प्यारे, नजर से नजर मिली ही थी, एक झलक देखी ही थी दातार की, इतने में ही चल भैया आगे बढ़। हो गयो चल जाए। अरे और भी घना लोग है, थोड़ो बढ़ ले आगे। उस समय चाहे कितना ही शरीफ आदमी क्यों ना हो, उसके मन से एक बार तो ये आवाज निकलती है, अइया आंख ना। ओ भाया अइया आंख ना दिखा, हने पाप लागे, हरे सेठ जीरो सेठ हरो। गाना पड़ेगा ओ थारे से, यो सावरो भरो बाप है ओ थारे से। देखो मैं बताता हूँ क्या रहे, निकल भी रहे मंदिर से धीरे धीरे। थारे से जीरो से मंदिर के बाहर क्या लगता है पिक्चर कैसी रही? क्या लगता है पिक्चर हो गई कि थोड़ी और बाकी है? ये इंटरवल था पिक्चर अभी। अब सुनो हुआ क्या, मंदिर के बाहर निकले, क्या बात है भाई, मजा आ गया यार। इसको कहते हैं सेंसिबली प्ले करना, मीठा मीठा। अब कई लोग होते तालियां भी बेसुरी बजाते हैं, उनके जोर नहीं है, हर किसी पे सरस्वती भगवान नहीं होते। हल्की बजाइए, प्रेम से बजाइए, एकदम हल्की। अब मंदिर के बाहर निकले, निकले। अब जो होने जा रहा है ध्यान से सुनना, मंदिर के बाहर निकले, मंदिर के बाहर निकले, मंदिर के बाहर पीपल का पेड़, पेड़ पीपल का पेड़ के नीचे एक माता जी बैठी है। माता जी बहुत जोर जोर रो रही है और रंगिया वाले बड़े अच्छे लोग हैं, ये भी मंदिर के बाहर निकले, माता जी के पास गए, कहने लगे ओ माता जी, अरे माँ की लिए रो रहे हो बाबा के मेड़े में, या कोई बात हुई के थे हम बाहर गाल रहे हो की लिए रो रहे हो? अरे बात क्या हो गई माती, होयो के धारे जागे जो थे बाहर गाल रहे हो? बस चारों तरफ से लोग खुश है थे, रो रहे हो और बाहर रोए जावे, जितो भी ना पटाओ बितो ही बा रोवे। बार बार बोला गया के बात है के बात है के बात है, बोले सुन मेरी बात सुन सके तो सुन मेरे सागे के हो रे घूंघटियो। घूंघटियो आते आ गयो जी, घूंघटियो आते आ गयो जी, देख को नी पाई बाबा शाम घूंघटियों। देख को नी पाई बाबा शाम यो घूंघटियों आडे आग्यो जी जी जी। इतने में एक जन आई ना, आई ना एक, आई आई यहाँ पर तीन चार खड़े हो जाएं, सबको एक एक करके बुलाएं। हाँ लेकिन
थोड़ा एक्टिंग आना चाहिए। अब देखो, या आई बिमला, या आई बिमला जो बोली घूंघटी आदे आग्यो जी थाने दे। देख को नहीं पाई बाबा शाम घूंघटियों। अब देखो, या आकर बैठगी, हाँ बिमला, एक बार नाम दे देते बिमला, ठीक है। अब आई शिमला, लेकिन शिमला एकली को नहीं आई, सागर छोटो सो बच्चो थो। बच्चो एक बार ले लो, इन्हें ले लो, एक बार गोदी में ले लो, एक बार घूंघट ये रख लियो और ले लियो। अब इतना भी मत। अब शिमला जो है मंदिर के अंदर रोया था, अब तो चुप हो गया है, तो बदमाश है। सुनो शिमला, अच्छा ही रख लो, शिमला के बोले, बोला मेरे सागर के हो गिगलियो, ओ भारो गिगलियो 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 बिलखण लाग्यो। क्या बात है, भारो गिगलियो रोवण लाग्यो जी। लोग लोग बोल रहे हैं कटे रो रहे हो, बोला अबार तो कोनी रो रहे हो, इकी टाइमिंग ठीक कोनी थी, जिस समय बाबा से नजर मिली बीस समय ही रोया था यो। इन्हें कोई लागी होसी कोई चीज से, बच्चों एक ही की गलती, लेकिन जो भी होयो थाने देख कोनी पाई बाबा शाम घूंघटियो पड़े जी। एक से बड़ा, एक से बड़ा बिमला के सागर शिमला भी बैठी और दे थाकी रोए। इतना में कमला आई, बिमला शिमला कमला, अबार तक दो तो फिर भी थोड़ो हल्को रो रही थी, या तो जोर जोर बार गाले। और जोर जोर रोवे, इन्हें पूछा के होयो भाई, और देखो भाई जवाब के देवे, बोला पिन्ने बाबू देखसी। ओए होए होए, बोला किने, बोला मंदिर मायने थोए कौन थो, बोकी टोकी ले राखियो थो, बोकी टोकी बोबणियो माने सरकाग्यो जी। ए बोबणियो माने सरकाग्यो जी, माने देख को नी पाई बाबा श्याम घूंघटियो आने आग्यो जी। तीनों बैठ गई, बिमला शिमला और कमला। अब एक आई, क्या लगता है चौथी आएगी कि नहीं, बोलो आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, कौन है भाई चौथी, कहाँ है, असली चाहिए हम लोग, नर को नारी नहीं बनाएंगे हम लोग। आओ कोई ना कोई, आओ ना, आइए आप, आइए आप, आइए आइए आप। तालियां बजाओ, माथे में घूंघट लिए। अरे जगह दो जल्दी जल्दी। चौथी बाई आई और चौथ तीनों बाई रोते हुए आई थी, लेकिन चौथी बाई घूंघट लेकर हंसते हुए आ रही है। के दर्शन होया रे बाबा का, के निरालो रूप है हमारे श्याम धनी बाबा। अब दुनिया की रीत, अपने दुख से कम दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी। पर्सनली मत लीजिएगा, ये सिर्फ एक भाव है। अब ये तीनों पूछने लगी इनसे कि भाई आओ खड़े हो, थोड़ा जगह दे दो। ये तीनों अठे आओ, खेलो तीनों जन अठे आओ। हाँ, अब तीनों पूछने लगी भाई, ओ भाई ओ भाई, थारे सागे अये को के होयो,
जो थे हंस रहे आओ। मारे तो घूंघट आटे आ गयो, दर्शन को नहीं कर पाया ठीक से। हाँ। थे भी तो घूंघट ले रखा हो तो थाने दर्शन कहिया होया। इन्होंने कितना सुंदर जवाब दिया, आप थोड़ा आगे आ जाए। आप क्या जवाब दिया इन्होंने सुनिए। बस बस रे सखी तू, सखी तू खेलो क्यों घबरावे है। रे सखी तू क्यों घबरावे है। इन्होंने जो बोला, मैं चाहता हूं रंगिया में बैठा हर एक व्यक्ति वो बात सखियों से कहे एक बार। सखी तू क्यों घबरावे है, सखी तू क्यों घबरावे है। थारे नेड़ा में बसे है बबोशा घुंघटियो चवर ढूला है। एक बार तालियां बजाएं ऐसे भाव के लिए आपके। हर कोई करता नहीं है, सब शर्म करते हैं, लेकिन आप इतने प्रेम से इस बात को, जिस भाव से आप लोगों ने आज दर्शाया, यही तो आनंद है कीर्तन का। जब मिलजुल के बाबा को, आज सच बोले, आज आप लोगों ने बाबा का सिर्फ कीर्तन नहीं कराया है, आज बाबा का लाड लड़ाया है। देखो इसको कहते हैं लाड लड़ाना। कीर्तन सिर्फ गायक को बुला के, म्यूजिशियन को बुला के करा सकते हैं, लेकिन जब सारे मिलकर इस तरह से छोटी छोटी चीजें करके मेरे श्याम धनी को रिझाते हैं, तो उसको लगता है कि रंगिया गए थे यार, तब उसको लगता है, उनको लगता है तब। थाने देख थारे नैना में बसे है बाबो श्याम घुंघटियों छवर ढुलावे। बहुत जोर लगी भूख, और सबको भूख लगी तो क्या याद आया, क्या याद आया भूख लगी तो? कढ़ी कचौड़ी। बाबा खाटू का तेरा दाल चूरमा मन ललचावे रे, बाबा खाटू का, बाबा खाटू का तेरा दाल चूरमा मन ललचावे रे, बाबा खाटू का। हार गए सारे हलवाई, हार गए सारे हलवाई, बना न पावे रे। अब बारिश, बारिश का दिन आया, बारिश के दिन लोगों ने एक भजन गाया आज दरबार में, दोनों हाथ सबके ऊपर एक बार और कह दो। माने पीहड़ियो सो, माने पीहड़ियो सो लागे खाटू धाम रे, वाद्यो माने पीहड़िये ओरे, वाद्यो माने पीहड़िये ओरे, पीहड़ियो सो लागे ए खाटू धाम रे, वाद्यो माने पीहड़िये। पिक्चर अंतिम पड़ाव पे है, देखिए अंत होता ही नहीं है फागण मेले का, अंत तो होता ही नहीं है, पर फिर भी जब भगत अंतिम बार फागण मेले में बाबा से मिलकर तोरण द्वार पे सर झुका के अपनी बैग उठा के वापस जा रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि कोई उन्हें बोल रहा है कुछ। उस समय उनके कानों में आवाज आती है, बाबड़ा मत ना जाजे कि जीना भरियो, बाबड़ा मत ना जाजे कि जीना भरियो, बेगो बेगो आजे, बेगो बेगो आजे,
बाविड़ा मत न जाजे कि जीन भर्यो। हमने कोशिश की है फागण मेले को भजनों के द्वारा जीने की, और बहुत लोगों ने जिया भी है इस पिक्चर के थ्रू फागण मेले को। अगर आपको लगा हो कि भाई एक एक चीज जो हमने गाई वो फागण मेले का अनुभव है, तो एक बार इस दातार के लिए तालियां बजाओ। ये बहुत दयालु दातार है, ये ऐसी ऐसी सोच दे देता है हम जैसों को, जिससे हम जैसों को ये काम भी देता है, नाम भी देता है।